नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह में एक नई नौकरी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए अब एक बेहतरीन नौकरी आई हुई है, जो स्वयं सहायता समूह से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में सोलर दीदी की नौकरी क्या है, सोलर दीदी को कितना वेतन मिलता है, सोलर दीदी को क्या क्या करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, इसलिए अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु कई योजनाएं निकाली हैं, जिनमें सोलर दीदी की योजना भी शामिल है। स्वयं सहायता समूह की सोलर दीदी की यह नौकरी वास्तव में स्वरोजगार है, वास्तव में सेल्फ एम्प्लॉयड है। स्वयं सहायता समूह में सोलर दीदी की योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 4 सोलर दीदी की नियुक्ति की जाएगी। एक ब्लॉक में आने वाले गांव में से 4 ग्राम पंचायत के स्वयं में आने वाले गांव में से 4 ग्राम पंचायत के स्वयं सहायता समूह में शामिल समूह की प्रमुख महिला को चुना जाएगा, जिसे सोलर दीदी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के जरिए सोलर दीदी को स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते से लोन मिलेगा, जिसको लेकर सोलर दीदी अपनी ग्राम पंचायत में सोलर प्रोडक्ट की दुकान खोलेंगी। उस दुकान में सोलर प्रोडक्ट जैसे सोलर लाइट, सोलर टॉर्च, सोलर लालटेन इत्यादि सोलर से बने प्रोडक्ट बेचेंगी और सोलर से बने प्रोडक्ट की रिपेयरिंग भी करेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा केंद्र सरकार एक बेहतरीन फैसला लिया हुआ है, जिसके तौर पर सोलर दीदी की नियुक्ति की जाएगी। सभी सोलर दीदी सोलर से चलने वाले सभी उत्पाद अपने सोलर दुकान से बेचेंगी। दोस्तों, जो भी मुनाफा आएगा वो सारा मुनाफा स्वयं सहायता समूह में बांट दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सोलर दीदी शॉप पलिया जिले के नौगवा में गांव में राधा पेड़ा स्वयं सहायता समूह की हंसावती ने खोला है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पलिया जिले में एक स्वयं सहायता समूह की महिला हंसावती जी ने सोलर दीदी का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, हंसावती सोलर शॉप के से दिन के 500 से 700 रुपए बड़े आसानी से कमा लेती हैं। दोस्तों, आगे मैं और भी आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कितना आपको हर महीने आमदनी होगी। तो दोस्तों, एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे मिलेगी सोलर दीदी की नौकरी। दोस्तों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सोलर दीदी की नौकरी कैसे मिलेगी, इन सभी चीजों को हम लोग आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह की प्रमुख महिला को सोलर दीदी बनाने के लिए अपने समूह को कुछ ऐसे बिंदुओं पर खरा उतरना होगा, जिन बिंदुओं को मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर एक, स्वयं सहायता समूह 3 से 5 साल पुराना होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है मैं क्यों अपने हर एक वीडियो में आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी जाइए, तुरंत जल्दी से जल्दी स्वयं सहायता समूह बनाइए। दोस्तों, इसीलिए क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती हैं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हों, उसमें कम से कम 3 साल तो पुराना होना मानता है। दोस्तों, नंबर दो, स्वयं सहायता समूह का संचालन भली भांति होना चाहिए, यानी जो भी समूह का रजिस्टर है वो सब बड़े अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। नंबर तीन, आपकी ब्लॉक में आपका स्वयं सहायता समूह सबसे अच्छी स्थिति में चल रहा होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, नंबर चार, स्वयं सहायता समूह के सभी रजिस्टर भली भांति पूरे होने चाहिए। जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन किया, स्वयं सहायता समूह का संचालन मतलब आपका बचत योजना, आपका वीकली या मंथली मीटिंग, इन सभी चीजों को बड़े आसानी से डेली बेसिस पे या फिर एक रेगुलर बेसिस पे जरूर करना चाहिए, तभी आपका स्वयं सहायता समूह का संचालन एक अच्छी कैटेगरी का माना जाता है। दोस्तों, नंबर पांच, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एटलीस्ट इतना तो जानती है, अगर मेरा लागत 6 रुपए लगा हुआ किसी सोलर बल्ब को बनाने के लिए तो 7 रुपए 8 रुपए में ही बेचना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कुछ रुपए भी तो कमाने हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है, वैसे सोलर बल्ब 6 रुपए में नहीं आता है।
नंबर 6, स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक साप्ताहिक बैठक की जमा धनराशि का विवरण होना चाहिए। जैसा कि दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बिल्कुल मैच कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक साप्ताहिक बैठक की जमा धनराशि या बचत राशि का विवरण होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपके स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता नहीं होगी या किसी की जवाबदेहिता नहीं होगी तो फिर आपका स्वयं सहायता समूह किस बात का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे जानते हैं कि सोलर दीदी की नौकरी से कितना कमाया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि दोस्तों अगर सोलर दीदी हम बन जाते हैं या कोई हमारे स्वयं सहायता समूह सदस्य की महिला बनती है तो उसको सोलर दीदी की नौकरी से कितना महीने का कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि वीडियो के पीछे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हंसावती जी ने जो आपकी राधा पेड़ा स्वयं सहायता समूह की हैं पलिया जिले की, ये रोज 500 से 700 रुपए सोलर दीदी बनकर बड़े आसानी से कमा रही हैं। दोस्तों 500 से अगर 700 ये कमाती हैं तो अगर 700 रुपए रोज का मानिए तो एक महीने का लगभग 21,000 रुपए नेट आता है। तो दोस्तों सोलर दीदी के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से कितना कमाया जा सकता है। दोस्तों वर्तमान समय में बिजली बिल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर दीदी की नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप बिजली सखी बनकर बड़े आसानी से लाखों रुपए कमीशन कमा सकते हैं और लाखों रुपए सरकार से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है बिजली विभाग UPPCL ने स्वयं सहायता समूह को यह जिम्मेदारी देकर बिजली बिल की वसूली को लेकर 4 चांद लगा दिया है। दोस्तों इतनी बड़ी मात्रा में बिजली बिल का वसूली हो रहा है वो इसी कारण हुआ है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बिजली सखी बनकर लंबा चौड़ा बहुत अच्छा खासा हिस्सा ले रही हैं, ताकि आने वाले समय में बिजली कंपनियों को काफ़ी मुनाफा हो या बिजली कंपनियों का पैसा यूं ही ना रुके, उनके पास आए ताकि उस पैसे को और भी प्रोडक्शन में लगाकर अच्छी खासी बिजली का उत्पादन कर उसको बेचा जा सके। दोस्तों आपको क्या लगता है सोलर दीदी बनकर आप कमाई कर सकते हैं? अगर आपको डाउट है, अगर आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूं। दोस्तों बाकी मैं आपको बताऊं कि इस समय कोई भी इतनी महंगी बिजली बिल जमा करना नहीं चाहेगा। इतना ही नहीं, बिजली टाइम पर ग्रामीण क्षेत्र में मिलती भी नहीं है, अतः सोलर दीदी की नौकरी से आप दिन के 500 से 700 बड़े आसानी से कमा सकते हैं और महीने के आप बड़े आसानी से 20 से 21,000 रुपये सोलर दीदी बनकर कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कौन चाहेगा बिजली का बिल भरना, कौन नहीं चाहेगा कि सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज करें और घर में टीवी पंखे फ्रिज कूलर सब कुछ चलाएं। तो दोस्तों सोलर दीदी की नौकरी में सोलर प्रोडक्ट की शॉप खुलवाएं और लाखों में ऐसा केंद्र सरकार का योजना है और वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तवज्जो यानी वरीयता दी जाएगी, जिसमें सोलर प्रोडक्ट बेचकर और सोलर प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करके अच्छी कमाई की जा सकती है। दोस्तों जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, ट्रेनिंग का सवाल है, तो ट्रेनिंग का भी जिम्मा सरकार का ही होगा। दोस्तों स्वयं सहायता समूह में जितने भी काम आते हैं ग्रामीण स्तर पर, उन सभी कामों का प्रशिक्षण आपके जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में बखूबी करवाया जाता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं तो आप आज ही जाइए ब्लॉक स्तर पर, वहाँ अपना ये सारा काम करवाइए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।